अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्राइम पोस्ट और मैं हूं आपका मेजबान शहजाद नाइक। मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है इस वक्त रियासी से वो शख्स जो कल से सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल है, जिनका नाम गुलाम रसूल है। वो हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। गुलाम रसूल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है पहले। हाँ जी, आपका भी बहुत बहुत सलाम अलैकुम जनाब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुलाम रसूल साहब, कल से आप जो है सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहे हो। आप मुझे बताइए कि आपने जो जमीन दी है वो मंदिर बनाने के लिए दी है या फिर आपने जो है मंदिर के लिए रास्ता दिया है, क्या कुछ पूरा मामला आप बताइए जरा हमें। सर वो एक मंदिर ऑलरेडी बना हुआ है सदियों से, लेकिन उधर जाने के लिए रास्ता नहीं। जो जो लोग बेचारे थे 20-25 के लोग हैं वो इधर से गुजरते हैं, एक साइड नाला है और लोगों की जमीनें हैं, लोग रास्ता छोड़ के राजी नहीं थे। और कहीं की कोई रास्ता मिलता था तो हमने उनके उनको रास्ते के लिए जगह दी है। अच्छा, वो हमारी 4-6 नाल के करीब जगह जो है हमने उनको रास्ते के लिए, रास्ता वो बना रहे हैं, रास्ता बन गया है। अब गाड़ियां शाड़ियां बड़े आराम से मिलते हैं, वो लोग खुश हैं, इतना ही मसला जी है। जी हाँ, अच्छा गुलाम रसूल साहब, आप मुझे बताइए वहां पर वो मंदिर कब से बना हुआ था और कब से उन लोगों को जो है रास्ते की जरूरत थी वहां। ये सर ये 2005 में एक दफा एक जहां मिनिस्टर थे जुगल किशोर जी, उन्होंने लोगों ने डिमांड की थी, जहां गांव के लोगों ने के जहां एक मंदिर भी है, दरिया चना भी है, हमारा शमशान घाट भी है और हमारे 2 गांव हैं, तो इसके लिए हमें रोड चाहिए। तो वहां से पैसा सेंक्शन हो गया, उन्होंने बोला, मिनिस्टर ने बोला कि आप रोड की वो बनाओ, सर्वे करवाओ, मैं पैसा दूंगा, लेकिन किसी जगह ही नहीं दी, जगह नहीं दी तो रोड नहीं बन सका। फिर वो बरसों से बाद जो लड़की हुई थी, तो फिर मुझे चंद थोड़े दिन पहले हमने ही फैसला ले लिया, मैं इनको और कहीं से रास्ता नहीं दे। चलो हमारी जमीन ज्यादा जाती थी, उन्होंने हमें नहीं बोला था, उन्हें बोला कि इनकी जमीन ज्यादा जाती है, कहीं थोड़ी जमीन किसी की जाए तो हम उसको कहेंगे। लेकिन हमने फिर अपनी भाई से बात की, सलाह की, हमने कहा यार इतना बड़ा गाँव है, इतने बड़े लोग हैं, ये परेशान रहते हैं बरसों बरसों से, एक इनका उधर वो तीर्थ स्थान है, कोई मंदिर है, उधर जाते हैं, फिर ये पानी में बरसात में इनको बड़ी मुश्किल होती थी, कभी कभी हमारे घर में ये आ जाते थे, बेचारे लोग बाहर से आते थे ना दूर से, वो आ जाते थे, बड़ी लोग होते, हम उनको रास्ता दिखलाते थे। फिर हमने सोचा ये गाड़ियां लेके आते हैं, उनको रास्ता आता नहीं बेचारों को, फिर हमने वो जमीन से दे दिया इनको रास्ता, अब जो खुश है हम भी खुश हैं। अच्छा गुलाम रसूल साहब, आप मुझे बताइए, सुनने में ये भी आ रहा है कि वहां पर मुकामी लोगों को सड़क की भी जरूरत थी, जिसकी वजह से लोगों ने फैसला किया कि मंदिर के लिए अगर रास्ता छोड़ा जाएगा तो हमें भी जो है वो सड़क मिल जाएगी, क्या ये हकीकत है? क्या कहते हैं सर, यहाँ पर खबर ये भी आ रही थी कि वहां के मुकामी लोगों को जो है वो सड़क की भी जरूरत थी, अगर मंदिर के लिए रास्ता छोड़ा जाता तो आप लोगों को सड़क भी मिल जाती, ये हकीकत थी क्या? नहीं सर, ये ऐसे करते हैं लोग बातें, असल में हमारी सड़क हमारे घर तक पहुंच चुकी थी। अच्छा, लेकिन जो जो नीचे बस्ती, इन लोगों की बेचारों की बस्ती है, उनको कहीं रास्ता का कोई बंदोबस्त नहीं था, इसलिए हमने सोचा, हमने बाद में अपनी जमीन में से रास्ता दे दिया। अच्छा, उस मंदिर के लिए कहीं और से, किसी और की जमीन से रास्ता तो बनाया जा सकता था या सड़क बनाई जा सकती थी? देखो उस हमारे तो घर में रास्ता पहले ही हमारे मोहल्ले में पहुंच चुका है, और फिर वो नाले से जा नहीं पाता था, नाला से आगे से एक नाला है बड़ा, वो बरसात में उसकी इतनी वो कामयाबी नहीं थी, फिर हमने खुद जान के खुद छोड़ दिया रास्ता, वो लोग खुश हो गए, उन्होंने हमें इतना मतालबा भी नहीं किया, उनको पता था इनकी जमीन ले जाएगी, वो कैसे हमें कहते, उनको हम कैसे इनको कहें, लेकिन हमने खुद ही फैसला ले लिया यार, हम रहते हैं एक मोहल्ले में, एक पंचायत में, ये हमारे काम आते हैं, हम भी इनके काम आ जाएंगे, कौन सी बड़ी बात है। एक हमने एक छोटा सा अपने हिसाब से छोटा सा काम किया, लेकिन आप इन लोगों के एहसान मान लिया कि जम्मू से सारे, अब ये पता चल गया तो लोग बड़े वो कर रहे हैं कि जी अच्छा काम किया है, अच्छा काम किया है, ठीक है, इनको पसंद है। आपकी जमीन के अलावा किसी और की जमीन से उस मंदिर के लिए रास्ता बन सकता था या नहीं? बन सकता था, लोग देते नहीं थे इधर, ऐसे ना जमीन,
लोग देते नहीं है इनकी, कहीं कहीं से थोड़ी होती है, थोड़ी एक आदमी की आगे थोड़ी सी आ जाती है, वो मानते नहीं थे। एक आदमी की जमीन वो मैंने बड़ी मुश्किल से रिक्वेस्ट कर करके थोड़ी सी आती थी, वो मैंने कोशिश करके उसको, मैंने यार मैंने इतनी दे दी है, थोड़ी सी आप भी दे दो यार, पर बड़ी मुश्किल से मनवाया वो, इनको सबको तो पता। तो वहां मंदिर के आसपास किन लोगों की ज्यादा जमीन है, मुसलमान तबके के लोगों की या हिंदू तबके के लोगों की जमीन है वहां आसपास? जो मंदिर के आसपास है वो हिंदू लोगों की जमीन है, लेकिन रास्ता तो जहां से जाए 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर पहले। अच्छा, वो मुसलमानों का था, वहां मुसलमान हमारी जमीन ही है और भी है कुछ, लेकिन वो लोग देते नहीं। और कल से आप लोग, आप जो है वो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो, आपकी काफी ज्यादा तारीफ हो रही है, तो कैसा महसूस हो रहा है आपको? देखो जी, हम तो इतना वो शर्मिंदा होते हैं, सही पूछो, इन लोगों ने इतनी इज्जत की है हमारी, वो बात कर रहे हैं, कहीं फोन कर रहे हैं, कुछ कुछ कह रहे हैं, हमने कहा भाई हमने छोटा सा कार्य किया है, थोड़ा सा काम किया अपने हिसाब से, एक अपना भाईचारे के लिहाज से, तो इन्होंने बड़ा ही समझा, हम इनका बहुत शुक्र गुजार है लोगों का। और ये साबित हुआ कि जो हमारी जो हिंदू बिरादरी के लोग हैं, ये काफी अच्छे लोग हैं, काफी अच्छे लोग हैं, एहसान फरमोश नहीं है, ये कोई काम हमने जो ऐसा काम किया उसका ये बहुत वो कर रहे हैं, हम इनका बहुत इनको शुक्रिया। हमारे देखो सभी जो मेरे मुसलमान लोग हैं, जहाँ मुस्लिम लोग हैं, उनकी भी एक बड़ी अच्छी ये मैसेज दिया है। तो हमने तो अपने लेवल पर किया था, गांव इधर थोड़े से हम एक पसमांदा लोग जहाँ रहते हैं, इतनी कोई सहूलत नहीं है, लेकिन जहाँ जम्मू गांव का नाम क्या है, इस गांव का नाम क्या है जहाँ पर आपने ये जमीन दी, आपके गांव का नाम क्या है? इस गांव का नाम है सर कांसीपट्टा। कांसीपट्टा रियासी से कितना दूर है ये? है जी, रियासी से कितना दूर है, रियासी से कितना दूर है ये? कांसीपट्टा पंचायत खैरल डिस्ट्रिक्ट रियासी। अच्छा, रियासी से कितना दूर है? 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर बस दरिया चन आके पौनी रोड से एक अखनूर रोड इसी रोड से ये लिंक लिया है। चलिए आखिर में गुलाम रसूल साहब, आप लोगों को क्या मैसेज देंगे? हम लोगों को यही मैसेज देंगे कि आपसी एक दूसरे के साथ अच्छा करें, उसका लोग उससे हमारा प्यार बढ़ेगा। मुझे ये साबित हुआ कि हमने थोड़ा सा काम किया है, हालांकि हमें किसी ने इतना कोई प्रेशर नहीं, कोई इतनी डिमांड नहीं, हमने थोड़ा सा ये काम किया, लोगों को रास्ता दिया, तो वो रियासी से लेकर पौनी तक जितने लोग हैं वो आते जाते हैं, इन्होंने खुद पूछा है, बताया कि ये हमारे यहाँ के एक नागरिक है, वो मुस्लिम समुदाय से तल्लक रखते हैं, मेरा नाम लिया, फिर मुझे बुलाया गया उधर, तो फिर मेरा एक इंटरव्यू लिया, उससे ये बात चल गई। ये ऐसे मुझे यही मालूम हुआ कि कोई किसी के साथ करेगा तो वो जरूर याद रखेगा, और ये जो हमारे हिंदू भाई लोग हैं, ये तो मुझे यूं लगा कि ये ज्यादा याद रखते हैं। बस मैं सभी अपने मुसलमान भाइयों से ये कहता हूँ कि सबके साथ यार अच्छा सलूक करें, हमने कुछ नहीं किया, लोग बड़ा बड़ा कुछ कर सकते हैं, अगर हम थोड़ा थोड़ा करेंगे तो हमारा देश पूरी एक गुलदस्ता तो है ही है, ये गुलदस्ता एक कायम हो जाएगा, हमें यही मैसेज देते हैं सब। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया गुलाम रसूल साहब, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे रियासी से। कल से जो है सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल है, लेकिन खबर ये आ रही थी कि गुलाम रसूल साहब ने जो है वो मंदिर के लिए जमीन दी है, लेकिन गुलाम रसूल साहब ने साफ कर दिया कि मंदिर के लिए मैंने जमीन नहीं दी है बल्कि रास्ता दिया है। बहुत सालों से वो लोग जो है काफी ज्यादा परेशान होते थे, हिंदू बरादरी के लोग वो मंदिर जाने के लिए काफी ज्यादा परेशान होते थे, उन्हें कोई रास्ता नहीं मिलता था, लेकिन इन्होंने जो है अपनी जमीन के बीच से मंदिर के लिए रास्ता दिया है, जो इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। इससे जो है आपसी भाईचारा इन लोगों का वहां पर जो है बना रहेगा, और इन्होंने जो है तमाम लोगों से भी यही गुजारिश की है कि आपसी भाईचारे के लिए जो है आप ऐसा छोटा छोटा काम जो है आप कर सकते हैं, जिससे जो है हमारा मुल्क तरक्की करेगा, हमारा जम्मू कश्मीर तरक्की करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया गुलाम रसूल साहब आपका बातचीत करने के लिए। हाँ जी, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मंदिर जो है मेरे घर से कम कोई 1.5 किलोमीटर दूरी पर है जी, हमारी जमीन
डेढ़ किलोमीटर दूर है, लेकिन उस मंदिर के जाने के लिए जो लोग परेशान होते हैं वो हम देखते थे, वो हमें अच्छा, बर्दाश्त अच्छा। नहीं होता क्योंकि बहुत इनको परेशानी थी, रास्ता कोई नहीं। चले।